हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जियोग्राफी के एक टॉपिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर चर्चा करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होती क्या है, किसने दी, कब दी और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी हमें बताइए कि आपको इसमें और क्या चाहिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड बेगने, ये जर्मन के थे। ये एक्चुअल में किसके, ये जलवायु परिवर्तन की खोज कर रहे थे और अपने अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाके इसकी खोज करते थे। तो इन्होंने इस खोज को, जलवायु परिवर्तन की खोज करते करते इन्होंने पाया कि ये जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं कभी एक समय पर क्या होते थे, एक साथ एकत्रित हुआ करते थे। इस क्लाइमेट चेंज के कारण ही और कुछ और परिवर्तनों के कारण ही ये सब आज की डेट पर ये क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो उसी के बारे में इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम इन्होंने दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, ठीक। तो इन्होंने ये सिद्धांत 1912 में दिया, जबकि यह सिद्धांत 1922 में प्रकाशित हुआ। तो आपको याद रखना है कि यह सिद्धांत कब प्रकाशित, प्रकाश में आया, 1922 में। आपका आंसर होगा क्या, 1922 में। तो जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड बेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को 1922 में क्या किया, प्रतिपादित किया। इन्होंने इसमें बताया कि पृथ्वी जो थी, या इन कह सकते हो आप अलग लैंग्वेज में कि इनका मानना था, इन वैज्ञानिक का मानना था कि जो पृथ्वी है वो क्या थी, सूर्य का ही क्या था, एक अंश है जिसके कारण क्या, ये गैसीय रूप में था। धीरे धीरे ठंडा हुआ तो क्या हुआ, द्रवित अवस्था में आया। द्रवित अवस्था से फिर ठंडा हुआ तो क्या हुआ, ठोस की अवस्था में आया। तो इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी थी पहले क्या थी, आग का गोला थी। पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आए और ये ठंडी हुई तो इसमें क्या हुआ, स्थलखंड का निर्माण हुआ। स्थलखंड का जो निर्माण हुआ, इन्होंने कहा कि मध्य में एक स्थलखंड का निर्माण हुआ। इन्होंने इसे सुपर कॉन्टिनेंटल की थ्योरी दी, क्या, सुपर कॉन्टिनेंटल कहा और इसका नाम इन्होंने बताया पेंजिया, क्या, पेंजिया। और कहा इस स्थलखंड के चारों तरफ एक सागर, महासागर का निर्माण हुआ था जिसे हम पैंथालासा के नाम से जानते हैं, क्या, पैंथालासा के नाम से जानते। तो पेंजिया और पैंथालासा का निर्माण जो है, अल्फ्रेड बेगनर जी ने कहा ये कौन से युग में निर्माण हुआ, कार्बोनिफेरस में। कब, कार्बोनिफेरस युग में इनका निर्माण हुआ, ये निर्माण हो चुके थे कार्बोनिफेरस युग में। कौन से, पेंजिया और पैंथालासा। ऐसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि सुपर कॉन्टिनेंटल कौन सा है, तो लोग बाग क्या करते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता इस चीज़ का, वो एशिया को लगा देते, क्यों, क्योंकि वो सबसे बड़ा है तो सुपर कॉन्टिनेंटल समझ के, जबकि क्या है आपका, पेंजिया है सुपर कॉन्टिनेंटल, इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट आपका पेंजिया हो गया और पैंथालासा हो गया। अब समय के साथ इन्होंने कहा कि इसमें परिवर्तन आने लगे, क्या आने लगे, परिवर्तन आने लगे। परिवर्तन का कारण इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी थी, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर उत्प्लावन बल क्या था, अधिक था, क्या, उत्प्लावन बल अधिक था, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अधिकता होती थी। पृथ्वी पर उत्प्लावन बल अधिक हो गया, कहाँ, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा हम किसको कहते हैं, 0 डिग्री को कहते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा हम किसे कहते हैं, 0 डिग्री का। तो भूमध्य रेखा पर क्या हुआ कि उत्प्लावन बल की अधिकता थी, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक हुआ करता था। और दूसरा कारण क्या बताया इन्होंने कि टाइडल एनर्जी या टाइडल फोर्स, क्या, ज्वारी बल। पहला क्या बोला इन्होंने, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। दूसरा क्या बोला, ज्वारी बल।
इन्होंने कहा कि उत्प्लावन बल और ज्वारी बल की अधिकता के कारण ये जो पेंजिया नामक सुपर कॉन्टिनेंट था ये क्या हो गया, दो भागों में विभक्त हो गया। क्या हो गया? दो भागों में विभक्त हो गया। जब दो भागों में विभक्त हुआ तो इसके मध्य में क्या आ गया, स्पेस आया। स्पेस आया तो यहाँ क्या हो गया, एक महासागर या सागर का निर्माण हुआ जिसे हम किस नाम से जाने, टेथिस सागर। किस नाम से? टेथिस सागर के नाम से जाने हम। ये सब प्रक्रिया कब चल रही थी, अंतिम क्रिटेशियस युग में। कहाँ? अंतिम क्रिटेशियस युग में ये क्या चल रहा था कि टेथिस सागर का निर्माण हो चुका था और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो दो भागों में बट चुका था। अब वेगनर जी ने इसे क्या नाम दिया, आप सब जानते हैं क्या, ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहते हैं। क्या? लॉरेंसिया। और ये जो लॉरेंसिया है ये किस, सेंट लॉरेंस नदी के कारण ही, इसे सेंट लॉरेंस सील्ड जो बोली जाती है या सेंट लॉरेंस नदी, उसके कारण इसका नाम दिया गया। इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने नाम दिया क्या, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड। और जो नीचे का था, दक्षिणी भाग था, वो क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। जो नीचे का भाग था वो क्या कहला गया, गोंडवाना लैंड। ठीक, अब समय के साथ अब फिर चेंजेस आए। इन्होंने कहा तो ये ठीक है, टेथिस सागर का निर्माण हो गया, लॉरेंसिया अंगारा लैंड का निर्माण हो गया, गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। किस कारण हुआ, उत्प्लावन बल और ज्वारी बल। जब इनकी अधिकता हुई, किनकी, ज्वारी बल की, मेन ज्वारी बल की अधिकता हुई, तो जो इसका पश्चिमी भाग है किसका, गोंडवाना लैंड का और आपका अंगारा लैंड का, ये जो है इनसे अलग होकर, गोंडवाना लैंड बिल्कुल अलग होने लगा। एक भाग कहाँ जाने लगा, ऑस्ट्रेलिया जिसे आप जानते, नीचे एक अफ्रीका के रूप में स्थापित हो गया। एक भाग जाने लगा आपका कहाँ, इधर, और एक भाग ये जो यूरेशिया से अलग हुआ था ये। तो ये जो पश्चिमी भाग टूट के अलग हुए वो किस कारण हुआ, ज्वारी बल। और ज्वारी बल की अधिकता कैसे होती है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जितनी अधिक होगी उतना आपकी पृथ्वी पर क्या होगा, ज्वारी बल की अधिकता होगी। ज्वारी बल की अधिकता के कारण क्या करने लगे, ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह कर गए। पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह कर गए तो इसका जो ये आपका जो उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये किधर स्थित हो गया, पश्चिम में, और साउथ अमेरिका क्या हो गया, पश्चिम में। मगर जो नॉर्थ अमेरिका है वो किसका भाग कहलाता है, लॉरेंसिया अंगारा लैंड का, और जो साउथ अमेरिका है वो किसका भाग कहलाता है, गोंडवाना लैंड का। धीरे से और आगे बढ़े, ये सब प्रक्रिया किस में चल रही थी, जुरासिक युग में। किस में? जुरासिक युग में। इसके बाद आगे जब इन्होंने और आगे की बताई स्थिति, तो इसके बाद कौन सी स्थिति बताई, वर्तमान स्थिति। अगर मैं इससे समझाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका को अगर अफ्रीका से सेट किया जाए तो क्या होता है, ये जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका को अगर ये ऊपर के यूरोप के भाग से अगर जोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इनसे इस चीज़ के, इस सिद्धांत के बारे में क्या एविडेंस मांगे गए, किसके बारे में, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। इन्होंने कई सिद्धांत दिए, जैसा क्या, पर्वतों की स्थिति, क्या, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन का निर्माण तभी होगा जब क्या, प्लेटें खसकेंगी। जैसे आपका सब विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, माउंट एवरेस्ट, वो किस में पड़ता है, हिमालय पर्वत श्रेणी में, वो क्या है, फोल्डेड माउंटेन है, बलित पर्वत है। और बलित पर्वत का निर्माण तभी होगा जब क्या होगा, प्लेटें खसकेंगी। और इसी का एक एविडेंस क्या दिया इन्होंने, बलित पर्वत का निर्माण, बलित पर्वत निर्माण। दूसरा इन्होंने दिया चट्टाने, क्या, दूसरा एविडेंस इन्होंने कहा कि चट्टाने, जैसे बात करें यहाँ पे क्या है आपका, रॉकी है, रॉकी है, यहाँ पे क्या है आपका, यूरेशियन पर्वत है यूरोप में। तो इन दोनों की जो चट्टाने हैं, जो आपके कहाँ,
आपका यूरोप का पश्चिमी दिशा में जो स्थित चट्टाने हैं और अमेरिका के पूर्वी दिशा की जो स्थित चट्टाने हैं, ये बेसाल्ट की निर्मित चट्टाने थी और दोनों जगह सेम ईयर बैक की चट्टाने प्राप्त हुई, जिस कारण इन्होंने कहा चट्टानों का प्राप्त होना भी एक क्या है, एविडेंस है इस विस्थापन सिद्धांत को प्रूफ करने का। और थर्ड मैं बात करूं तो क्या अवशेष कैसे, जिन जीवों के अवशेष आपके दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में पाए गए उन और जितने ईयर बैक के पाए गए, उन्हीं जीवों के अवशेष अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भागों में प्राप्त हुए, जिस कारण कहा गया कि अवशेष भी एक ऐसा प्रूफ है जिसके कारण इस सिद्धांत को क्या किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। और इसी प्रकार जैसे इन्होंने ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किया, इस थ्योरी को इन्होंने कहा कि अगर हम पूरे महाद्वीपों को एक साथ एकत्रित करें तो हमारा सुपर कॉन्टिनेंटल पेंजिया का निर्माण होता है, किसका, पेंजिया का, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का निर्माण होता है। इस थ्योरी को इन्होंने क्या कहा, जिग्स ऑफ फिट थ्योरी, क्या कहा, जिग सॉ फिट थ्योरी, किसको, कॉन्टिनेंटों को जोड़ने की थ्योरी या एक रूप देने की थ्योरी को क्या कहा जाता है, आपका जिग सॉ फिट थ्योरी कहा जाता है। अब क्वेश्चन की बात करूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे एक तो पेंजिया का सुपर कॉन्टिनेंट, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये इनके कौन किसके भाग हैं, अंगारा लैंड के हैं, गोंडवाना लैंड के हैं, ठीक है, 33 सागर कैसे हटा, तो कैसे हटा, ये जो आपका ये जो प्रायद्वीपी भारत का भाग था वो क्या किया, ऊपर की ओर ट्रेवल किया, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, बलित पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे टेक्टोनिक प्लेट्स की ही चर्चा करेंगे जो इस विस्थापन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का क्या है, अपडेटेड रूप है। अगर मैं अब आगे की मैं बात करूं, अगर लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड की मैं बात करूं कि इनमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं, पहले हम बात करते हैं किसके, अंगारा लैंड की, तो अंगारा लैंड में आता है आपका सबसे पहला कौन सा, उत्तरी अमेरिका, कौन सा, उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरेशिया, यूरेशिया का अर्थ होता है यूरोप प्लस एशिया, जो ऊपरी भाग है यहाँ का, ये जो यूरोप इधर का भाग है, ये जो एशिया का ऊपर है, या आप कह सकते हो कर्क रेखा के ऊपरी ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, आपका अंगारा लैंड कहलाता है, जो कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा है वो आपका क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड कहलाता है, यूरेशिया, इसे हम कहते हैं यूरोप प्लस एशिया। अब मैं गोंडवाना लैंड की बात करता हूं, गोंडवाना लैंड में पहला कॉन्टिनेंट हम लेते हैं, हम इधर से पश्चिम दिशा से स्टार्ट करेंगे तो कौन सा आएगा, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आता है क्या, अफ्रीका, फिर आएगा क्या, प्रायद्वीपी भारत, पेनिनसुला इंडिया, तो प्रायद्वीपी भारत। अब आप मन क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऊपर का भारत क्या है, तो ऊपर का भारत किसी का भाग नहीं है, ना अंगारा लैंड का ना गोंडवाना लैंड का, वो किससे निर्माण हुआ है, प्लेटों के टकराने से जो भू उत्पन्न हुए हैं, ऊपर आए हैं, बलित पर्वत का निर्माण हुआ है, उससे वो हिस्सा तैयार हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका है उसे कहा जाता है, ये पेंजिया का अवशिष्ट पर वो अवशिष्ट टुकड़ा बचा हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप, क्या, पेंजिया का अवशिष्ट टुकड़ा जो है अंटार्कटिका महाद्वीप बचा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत में आपको जो भी डाउट होता है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन बनते हैं, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं,
और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।